सरकार ने नारा दिया पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन सवाल एक खड़ा हो जाता है कि बिना किताबों के कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां। और आज इसी दुविधा को दूर करने के लिए वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन और सखी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इन बेटियों को सरकारी स्कूल NIT 2 में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एक उम्मीद प्रोजेक्ट के माध्यम से उम्मीद दी है अपने सपनों को साकार करने की। आप देखेंगे कि तमाम बच्चियों के हाथों में वो किताबें हैं जिन्हें पढ़कर वो अपना करियर संवारेगी। और क्या सोच उन्हें वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन से, प्रियंका गर्ग हमारे साथ मौजूद है, क्या सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। प्रियंका जी, किताबें ऐसी होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं, लेकिन कई बार वो किताबें ही होती हैं जिनके अभाव में हम बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते। क्या सोच थी और आज किस तरह से सखी क्लब के साथ आपने कार्यक्रम को जो है अंजाम दिया है? बेसिकली हमें ये देख पता चला कि जब हम हाउस ऑफ बुक्स चलाते हैं तो जो डोनर्स होते हैं वो किताबों इंग्लिश मीडियम में देते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर वो हिंदी मीडियम में होते हैं। तो हम उनको कैसे किताबें का स्पॉन्सरशिप कर सकें या किताबें दे सकें ताकि वो अपनी शिक्षा को निरंतर का वो कर सके, चालू में रख निरंतर करते रहे। तो उसी उम्मीद हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं जो दे सकते हैं और जिन्हें चाहिए। तो उसी श्रृंखला में हमारी सखी क्लब ने हमें सहयोग दिया और ऐसी लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो किताबों की जरूरत थी उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हमें ये किताबें स्पॉन्सर की। जी, और देखिए सखी क्लब के बारे में मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है समाज से जुड़े हुए काम सखी क्लब लगभग पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहा है और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जो जुनून है वो यहाँ स्कूल तक ले आया ताकि सरकारी स्कूल की जो छात्राएं हैं वो भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। मैम क्या नाम है आपका? निशा सर। निशा जी, हम देखते हैं कि ज्यादातर जो CBSE स्कूल्स बहुत हो गए हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उन्हें कई बार बुक्स नहीं मिल पाती और हालात घर के ऐसे होते हैं कि कई बार किताबें नहीं अवेलेबल हो पाती है, एक हीन भावना बच्चों में ग्रस्त हो जाती है। तो आज किस तरह से इन बच्चियों की मदद के लिए आपका क्लब आगे आया है? हाँ, हमें पता चला कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में काफी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर लेकिन उनपे बुक्स अवेलेबल नहीं कर पा रहे उनके पेरेंट्स उनके लिए। तो हमें वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन जो है प्रियंका गर्ग से हमें पता चला तो हम यहाँ आए ताकि हम बच्चों को, हम और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर चलो हम बच्चों को बुक्स अवेलेबल करा के हम उनके लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी, और हमारा क्लब वैसे भी काफी काम करता रहता है और हम स्कूल के ही इस बच्चों के लिए काफी कुछ करते आ रहे हैं। कभी हम स्कूल में फैन, लाइट्स, सैनिटरी पैड्स हम बच्चों के आगे चल के, मतलब काफी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकें। जी बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? रेखा माहेश्वरी। जी रेखा जी, किताबों का जब नाम सुनते हैं तो क्या कुछ याद आता है और आपको क्या लगता है अपने अनुभव से कि किताबें कितनी इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ में? किताबें बच्चों की लाइफ में या हमारी लाइफ में, जैसे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी कि हम इसी को पढ़ के आगे बढ़े हैं तो बच्चों के लिए भी होना चाहिए। बहुत सी जगह बच्चों को नहीं मिलता है तो सखी क्लब या कोई भी प्रोवाइड करे तो हमें करना चाहिए। जी थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? संजना जैन। कैसा लग रहा है आज बच्चों के चेहरे पर अलग मुस्कान नजर आ रही है, किताबें मिलने का ही एक अलग सुकून होता है बच्चों के लिए? बच्चों को तो बहुत खुशी हो रही है पर एक सुकून हमारे खुद के भी मन में बहुत अच्छा आ रहा है कि हमने इतने जरूरतमंद बच्चों के लिए ये बुक्स अवेलेबल कराई। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जो स्टूडेंट है जिसने JEE क्लियर किया है उसको देखते हुए तो वाकई गवर्नमेंट स्कूल की जो मेरे मन में एक छवि थी उसमें कहीं ना कहीं चेंज जरूर आया। जी क्या नाम है मैम आपका? भावना जैन। कैसा अनुभव रहा यहाँ आकर बच्चियों को देखकर, और ये मल्टी टैलेंटेड होती हैं ये बच्चियाँ और आज मौका मिला इनके लिए कुछ करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये कॉन्वेंट से ज्यादा अच्छी लड़कियां हैं क्योंकि ये घर भी संभाल रहे हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कुडोज टू देम और हम जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जरूर करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? निशा अग्रवाल। निशा जी, तमाम बच्चियां जो है बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुन रही थी और आंखों में सपने दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे सखी क्लब वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन है कैसे कोशिश करेगा कि इनके सपनों को पंख लग सके? जितना हमसे बनेगा, जितने अच्छे से हम कर पाएंगे इन लोगों के लिए करेंगे, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी आगे जैसे पता चलेगा उसे अकॉर्डिंग हम लोग हेल्प करेंगे। जी क्या नाम है मैम आपका? अर्चना गोयल।
क्या कहेंगे, आज बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करी है, घर में बताते हैं कि आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, घर वाले खुश होते हैं और बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे प्रोत्साहन करते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सबकी हेल्प करती हैं, सामाजिक कार्य करती हैं, इससे सब परिवार वालों को खुशी मिलती है। और सबसे मेरे को खुद ही फील होता है कि सबसे बड़ी खुशी है कि हम किसी के लिए किसी की हेल्प कर सके। ये सबसे, मतलब हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, बिल्कुल, चाहे हम अपने लिए करते हैं कुछ नहीं, हमें खुशी मिलती है। जितनी सबसे बड़ी खुशी है वो किसी को हेल्प करके, किसी को समाज में हम दान देके ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और देखिए, कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन फरीदाबाद में खासकर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है हेल्पिंग हैंड बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। जी मैम, जिस तरह से हमने देखा कि जेई मेन्स एक बच्ची ने क्लियर किया विदाउट कोचिंग, और आज बच्चे बहाने लगा देते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं था इसलिए हम ना हमारे मार्क्स कम आए, तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो आज भी कहीं ना कहीं संसाधनों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं और आगे बढ़कर नहीं आने चाहते? वो प्रतिभा को किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, जहां भी प्रतिभा होगी वो अपने आप से मेहनत करके किसी तरह भी आगे निकल जाएगी। ये एक हमारा डिसबिलीव कह सकते हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बुक्स लेके या अच्छी अच्छी कोचिंग लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके पास अपनी काबिलियत है, अपने दम पर आप आगे निकल सकते हैं। हम उस बच्ची के लिए शुभकामनाएं। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया गुप्ता। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जैसे हम इतनी सारी जब बच्चियों को देखते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, एक मन में होता है कि अपने अनुभवों को देखते हुए एक सीख जरूर दे, जो कहीं ना कहीं हमने उस चीज को कहीं महसूस किया, तो आज इन बच्चियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सपने देखो और उसे साकार जरूर करो, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं ना किचन सेट या डॉक्टर सेट से नहीं खेलती, मैं एक स्केल, पेंसिल और एक बुक लेकर खेलती थी, और बाकी जो भी बच्चे होते थे मेरे आस पड़ोस के और जो मेरे कजन्स होते थे उन सबको मैं टीचर के रूप में पढ़ाया करती थी कि आओ मैं तुम्हें सबको पढ़ाती। तो मेरा ये सपना था कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं, जो कि मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरी शादी हो गई, मैंने बीए किया है बट आई कुडंट परस्यू बीएड, तो मेरा ये सपना अधूरा रह गया, जो कि मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो आज की पीढ़ी है वो सपना देखे तो जरूर साकार करे। बिल्कुल, और देखिए वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन और सखी क्लब ने एक बेहतरीन शुरुआत की है। प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, बच्चियों को किताबें जो है वो वितरित की है, और कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी रोल मॉडल बनने का काम किया है, ताकि ये बच्चियां जो है इनके सपनों को भी पंख लग सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।